हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ेनाज वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आभा हेल्थ आईडी के बारे में। आभा एक हेल्थ आईडी जो है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये आभा हेल्थ आईडी लॉन्च हुआ है। इसको पॉपुलरली हम आभा कार्ड भी बोलते हैं। तो आभा कार्ड ये एक 14 डिजिट का हेल्थ यूनिक आईडी नंबर है जिसमें आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली मेंटेन कर सकते हैं। तो आभा हेल्थ आईडी आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है उसके साथ आप लिंक करके आप अपना आभा हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। उसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर के साथ जो लिंक हुआ जो मोबाइल नंबर है उसके साथ आप आभा कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो कि आभा नंबर, उसका बेनिफिट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, आभा हेल्थ कार्ड के द्वारा आप अपने जितने भी पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स है, जितने भी सालों पुराने रिकॉर्ड्स है, जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन हो गया, आपका लैब रिपोर्ट हो गया, वो सारे आप आभा हेल्थ आईडी में सेव करके रख सकते हैं। जिसमें वो आभा जो हेल्थ आईडी है वो पूरा ट्रस्टेबल है, जिसमें आपका पूरा प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। सेकेंडली जो है उसमें क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स एनलिस्टेड है, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स एनलिस्टेड है, तो आप अपना जो रिकॉर्ड है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही आप इजी वे में शेयर भी कर सकते हैं। आभा हेल्थ आईडी में जितने भी रिकॉर्ड्स है, अगर कोई हेल्थ वर्कर देखना चाहे या फिर कोई डॉक्टर देखना चाहे तो वो नहीं देख सकते विदाउट आपके परमिशन के बिना। तो उसमें वो रिकॉर्ड देखने के लिए आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, मतलब आपका परमिशन चाहिए होगा, उसके बाद हेल्थ वर्कर आपका रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो आभा हेल्थ रिकॉर्ड्स ये आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का एक डिजिटल वे है जो इंडिया को एश्योर करता है डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली इंडिया को एक डिजिटल हेल्थ मिशन बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं आभा हेल्थ आईडी कार्ड। तो सबसे पहले आभा हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा www.abdm.gov.in। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर में आप www.abdm.gov.in टाइप कीजिए। मैंने इसमें ऑलरेडी सर्च किया था तो इसमें शो कर रहा है। अभी एबीडीएम का पेज खुल गया है, उसमें आप क्रिएट आभा नंबर क्लिक कीजिए। क्रिएट आभा नंबर क्लिक करने के बाद यूजिंग आधार, दो ऑप्शन आया है, यूजिंग आधार एंड यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं इसमें यूजिंग आधार वाला करूँगी। अभी आप आधार नंबर इसमें डाल दीजिए आप अपना। आधार नंबर डालने के बाद आप इसमें आई एग्री का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आई एम नॉट ए रोबोट इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाइए। उसके बाद आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इसमें पुट कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाइए। तो ये शो कर रहा है। एक्चुअली गाइज, मेरा जो आधार कार्ड आभा कार्ड नंबर है ये ऑलरेडी बन चुका है। तो बनने के बाद आप इसको डाउनलोड आभा नंबर कार्ड भी डाउनलोड इसमें क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट डिटेल्स, जिसमें आप अपना डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर रीसेट भी कर सकते हैं,
आप चाहे तो आपका री केवाईसी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट अगर चाहे तो डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने जो दिखाया वो था आधार कार्ड यूज करके आप कैसे आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने आधार कार्ड से ही किया है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अब जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है जैसे कि अटल अमृत स्कीम हो गया, आयुष्मान भारत का जो स्कीम कार्ड है, हेल्थ स्कीम है उसका भी हो गया, और भी जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम है उसको आप आभा आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं, और भी जितने सारे प्राइवेट पॉलिसी जैसे कि इंश्योरेंस हो गया तो उस सबको आप आभा आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि आप हॉस्पिटल में जाए या फिर आपका इमरजेंसी में कोई भी, तब आपको दिक्कत ना हो, इमरजेंसी में ज्यादा लंबा लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, आप आराम से ये सब कर सकते हो और जितने भी स्कीम है वो उनका भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो गाइस ये था आभा आईडी के बारे में, अगर आपको उसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं क्या क्या आपको जानना है। हम लोग आशा करते हैं आप लोगों का जितना भी हो सके आप लोगों को आंसर करेंगे। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।